भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 107 प्रत्याशियों की लिस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ मुरादाबाद जिले की 5 सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मुरादाबाद 27 देहात विधानसभा से के मिश्रा, 28 मुरादाबाद नगर से सिटिंग विधायक रितेश गुप्ता, 29 कुंदरकी से नया चेहरा कमल प्रजापति, 25 कांड विधानसभा से सिटिंग विधायक राजेश कुमार चुन्नू, 30 बिलारी से परमेश्वर लाल सैनी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। लिस्ट जारी होने के बाद सभी प्रत्याशी भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां समर्थकों ने रितेश गुप्ता, के मिश्रा और कमल प्रजापति का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और सभी को बधाई दी। वहीं समर्थकों और कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल नगाड़ों पर नाचकर अपनी खुशी का इजहार किया। तत्पश्चात एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं से सभी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की गई। वहीं सभी प्रत्याशियों ने भाजपा चुनाव समिति का धन्यवाद देते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। रितेश गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आपको विधायक बनाया, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश एवं केंद्र के नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने पुनः मेरे ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया है और मुरादाबाद की नगर विधानसभा से मुझे प्रत्याशी घोषित किया है। हमारा एजेंडा, चाहे वो 2017 का चुनाव रहा हो, चाहे आने वाला 2022 का चुनाव है, विकास का एजेंडा है। विकास के एजेंडे पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों ने 2017 में भी प्रचंड बहुमत हासिल किया था। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था हमारा एजेंडा है। उसी एजेंडे पे हम लोग चुनाव पुनः लड़ेंगे और प्रचंड बहुमत से हम लोग इस बार भी अपनी सरकार बनाएंगे। वे भाजपा के सच्चे सिपाही हैं और भाजपा ने दोबारा उन पे विश्वास जताया है। इसका वह पूर्ण निष्ठा से कर्तव्य वाहन करेंगे और इस बार भारी मतों से जीतकर नगर पर दोबारा भगवा झंडा लहराएंगे और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वहीं देहात से प्रत्याशी के मिश्रा ने बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त शीर्ष नेताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे विधानसभा 27 का उम्मीदवार घोषित किया है और मेरी प्राथमिकताओं में वहाँ पर एक उच्च स्तरीय अस्पताल बनवाना है और एक बड़ा स्टेडियम बनवाना, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकल सकें और स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें। धन्यवाद। देहात सीट पर एक ब्राह्मण को टिकट देकर भाजपा ने ब्राह्मणों का सम्मान किया है। इस बार इस सीट पर भाजपा का कमल जरूर खिलेगा। उधर कुंदरकी से प्रत्याशी कमल प्रजापति ने कहा कि भाजपा ने एक साधारण कार्यकर्ता पर विश्वास करके टिकट दिया है, इसलिए इस बार कुंदरकी में भी कमल खिलकर रहेगा। आप पे एक बार विश्वास जताया है, क्या रहेंगे आपके चुनाव की रणनीति? भैया जी, मेरे पे विश्वास नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास जताया है और ये कार्यकर्ताओं का विश्वास प्रत्याशी के रूप में उभरा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से और निश्चित ये विधायक की ओर जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का फिर से 29 कुंदरकी में कमल खिलेगा। किससे टक्कर मान रहे हैं आप अपनी? टक्कर अभी भारतीय जनता पार्टी किसी से नहीं माननी है, क्योंकि अभी कोई प्रत्याशी सामने नहीं आया है, अभी कोई वहाँ डिक्लेरेशन। क्या अपील करना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासी? मैं सभी कार्यकर्ताओं से और सभी मतदाताओं से अपील करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार 5 साल हर जन जन की सेवा की है, हर गरीब के काम आई है, तो वो सब योजनाओं को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और भारतीय जनता पार्टी को फिर से कार्य करने के लिए एक छोटे से कार्यकर्ता को सेवा का मौका। आपकी विधानसभा से कई और दावेदार थे, दिग्गज थे, उन्हें टिकट नहीं मिला, तो उन्हें कैसे मनाएंगे? सब खुश हैं, सब बढ़िया हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक हम सबके बीच के सेवादार को, एक छोटे कार्यकर्ता को मौका दिया। तो मैं भी उन सबका जी चाहता हूँ, उनके लिए मैंने भी काम किया है और आज उनका एक सौभाग्य बना है कि वो मेरी मदद करें। कौन सी विधानसभा? 29 कुंदरकी।